हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से हम आज अपना मन का बात शेयर करेंगे। मेरा मन का बात आप लोगों को सुनाएंगे। क्या है एक्चुअली, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, जितने सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो हमको देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हम ब्लॉग बनाने आए हुए हैं दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग का सब हाल समाचार, मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों को, ताकि आप लोग मेरा चैनल को देख के आ सके दार्जिलिंग में। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरा तो यहाँ आने का 1 महीना हो गया। तो हम अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम रूम लेके बैठ सके। ठीक है, तो अब क्या बोल, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम रूम लेके रह सके, इसीलिए हमको होटल में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए सिर्फ होटल में काम कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को व्लॉग दिखाने के लिए हमको सैलरी देता है होटल में, 4,000 देता है। ठीक है, सैलरी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करने से तो हम जितना भी होटल में काम कर ले, कुछ भी कर ले, हमको कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से हम पर्सनल आज अपना लाइफ का पर्सनल शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को तो ये देखिए, ये तो छत दिख ही रहा है यहाँ से। आप लोगों को डेली का डेली हम व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को, कैसा है क्या है। हम कपड़ा भी एक ही पहनता है क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो हम सोचा चलो सभी आदमियों के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी माँ बहनों के लिए, तो हमको दार्जिलिंग का एवरी खबर सब कुछ देना चाहिए, सब मोमेंट दिखाना चाहिए, कैसा है आज का वेदर, परसों का वेदर। तो इसीलिए हम दार्जिलिंग पे रुके हुए हैं। पर मुझे ऐसा मत सोचिए कि हम होटल में बैठे हुए रूम लेके, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम होटल में रह सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली काम कर रहा है होटल में, बहुत दिन हो गया, 1 महीना हो गया लगभग होटल में काम कर रहा है, खाना यहीं पे दे रहा है। ठीक है, सैलरी भी दे रहा है, ऐसा बात नहीं है, तो ज़्यादा सैलरी नहीं है, वेटर का काम कर रहा है अभी। तो दोस्तों प्लीज़, हम आप लोगों के लिए ही आया था कि क्यों ना हम सभी दोस्तों को दार्जिलिंग का हर खबर, हर ये सुनाए कैसा है आज का मौसम क्या। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इमोशनल हो गया था, ठीक है, थोड़ा इमोशनल हो गया था हम, इसीलिए आप लोगों को मतलब अखबार आया था। तो आप लोगों को आज दिखा रहे हैं आज का मौसम कैसा है। आज है आपका डेट है 22 फरवरी 2023। ठीक है, आज का डेट है। तो आज का डेट में देखिए ये कैसा है मौसम, ये देखिए आज ठीक ठाक ही है मौसम, धूप निकला हुआ है, पर कंचनजंगा आज भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए इधर भी, आप लोगों को तो डेली दिखाता है हम इधर से। और आप लोगों को एक बात बता दें कि मेरा फ़ोन तो टूट गया है, तो इसीलिए कैमरा भी अच्छा नहीं है, और फ्रंट कैमरा तो मेरा टूट गया है तो नहीं बनाया, पीछे का बैक कैमरा से ही हम बना रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमको जितना सपोर्ट कीजिएगा, हम उतना ही आप लोगों को अच्छा अच्छा दार्जिलिंग का जगह में घूमने जा सकते हैं। हम तो होटल में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा तो घूमने नहीं देता, फिर भी आप लोगों के लिए कभी कभी टाइम निकाल के हम दार्जिलिंग का खबर देते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आज का मौसम, यहाँ पे तो मौसम पल पल में बदल जाता है। ये देखिए आपको दिखा रहा है, ये रहा आपका मौसम, पल पल में बदल जाता है, थोड़ा देर में धूप निकलता है, थोड़ा देर में वो होता है। तो दोस्तों आप लोगों से हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि हम तो एक्चुअली होटल में काम कर रहा है, हमको निकलने नहीं देता है, तो आप लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़े आप लोगों के कारण, और हम होटल से होटल का रूम छोड़ के हम पर्सनली अपना रूम ले सके, कि आप लोग और भी अच्छा अच्छा चीज़ दिखा सके दार्जिलिंग का, जितना भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, टी गार्डन है, क्योंकि हम घूमने नहीं जा सकते क्योंकि हम होटल में काम कर रहे हैं, तो हमको छुट्टी नहीं देगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, हम आप लोगों को से पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर सके, आप लोगों के लिए और भी आगे बढ़ सके।
तो जो भी कीजिएगा आप लोगों के हाथ में है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए आज का व्यू, आज का मौसम, तो इतना ही था आज पर्सनली मेरा लाइफ का शेयर करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।